खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। खाटू श्याम जी मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मचने से 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 4 श्रद्धालु हादसे में घायल हो गए हैं। इस घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और एकादशी पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अमला तैनात नहीं किया गया था। इसी लापरवाही पर एसपी कुंवर राष्ट्रीय दीप ने एसएचओ रिया चौधरी को सस्पेंड भी कर दिया है। हादसा सुबह 5 बजे तब हुआ जब एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त गेट से बाहर करीब 1,00,000 लोग मौजूद थे और देर रात से ही श्रद्धालु लाइन में लगे थे। जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभागीय आयुक्त को पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की घोषणा कर दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री और सीएम ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच सवाल यहां पर यह उठते हैं कि एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति प्रशासन और पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए गए थे? भारी भीड़ को देखते हुए उसी अनुपात में व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? पुलिस और प्रशासन की नींद आखिर हादसे के बाद क्यों टूटी है? और हर बार धार्मिक स्थलों पर इस तरह के हादसों के बाद ही प्रशासन आखिर क्यों चेतता है? तो वहीं मेहरानगढ़ दुखांतिका जैसे हादसों से अभी तक सबक क्यों नहीं लिया गया है और आने वाले समय में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस जो है केंद्रित रहेगी। पर चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के बाहर के और आसपास की तस्वीरें हैं। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ मची, किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ में जो है 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद जो परिजन है वो किस तरीके से रोते बिलखते हुए नजर आए और मौके पर पुलिस प्रशासन किस तरीके से बाद में तैनात किया गया भीड़ को काबू करने के बाद, वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। चारों तस्वीरें दर्शाती हैं पूरे घटनाक्रम को, किस तरीके से ये पूरी घटना जो है घटित हुई है। तो इस बीच आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया। ट्वीट आपके स्क्रीन पर लिखा कि श्री खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे की संभागीय आयुक्त को जांच करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। सीएम ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ संवेदना भी व्यक्त की है। कहा कि सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से ये ट्वीट किया गया है पूरे हादसे पर, जिस तरीके से खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ मची। और उन्होंने लिखा कि श्री खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे की संभागीय आयुक्त द्वारा जांच की जाएगी। इस घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 20-20 हजार रुपए सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम रिलीफ फंड से ये सहायता राशि जो है वो लोगों को दी जाएगी जो लोग घायल हुए हैं, और उन परिजनों को दी जाएगी जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु इस पूरे हादसे में हुई है। तो इस बीच आपको ये 4 तस्वीरों हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सीएम अशोक गहलोत की ओर से दुख जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया गया है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है और ट्वीट करके उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो इस बीच आपको बता दें कि आज की बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं एक बार। देखो घटना हुई, मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मुझे मेरे कार्यकर्ताओं फोन आए कि ऐसी घटना हुई, दुखद घटना हुई है। तो मैं दिल्ली से 7, 7:30, 8 बजे रवाना हो गया था। मेरे पास 8 के लगभग सूचना थी और मैं इससे व्यथित था कि मैं आज भी कहता हूँ यहाँ जो मेला कमेटी है ना, हनुमान समिति है सालासर की,
वो कोऑपरेट करती है प्रशासन को हरदम, पर ये मेला कमेटी यहाँ कोऑपरेट प्रशासन को नहीं करती है। और आज इन्होंने ये अलग अलग गेट खोल रखे ना, तो वीआईपी दर्शन के नाम पे इनके बाउंसर जो होते हैं उसके वजह से ये घटना घटी है। मैं दावे से कह सकता हूँ और मेरे कार्यकर्ता भी, मैं दावे से कहता हूँ, मैं तो मंदिर में कम आना जाना होता है मेरा, खाटू श्याम जी आस्था है, दूर से करते हैं, लेकिन मंदिर में कभी कभी आता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ इतने दूर से लोग आते हैं तो दाताराम का नाम खराब होता है, उससे एक विधायक का नाम खराब होता है, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। जी बिल्कुल, ये जो आपने अभी कहा कि जो ये मंदिर कमेटी वीआईपी दर्शनों को लेकर एक तरह से दुकान खोल रखी है, केवल पैसों का खेल यहाँ पे दर्शनों का किया जा रहा है, दर्शनों की, तो आपको मालूम है, आप लोकल पत्रकार हो, आपको सारा बात पर मालूम है, मेरे मुंह से खिलाओ तो कहना चाहते तो मैं कह दूंगा, लेकिन आपको सारा मालूम है हर बात। आपने ये मामला एक विधानसभा में भी एक बार उठाया था, तो उसको लेकर के अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? मैं तो कल भी मैंने सीएम साहब फोन किया था, सर मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ और मेरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ एक कैजुअलिटी हुई है और वो घटना बड़ी भी हो सकती है, जब मेला होगा तो इतने ब्रिगेडिंग लगती है 5-5 किलोमीटर की, वहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, मैंने उनको चेताया है बड़ी घटना हो सकती है, उनको बोल के आया हूँ और उस व्यवस्था सुधारे ये बोल के आया हूँ। जब भी मेले का समय आता है, अब तो मेला हर शनिवार रविवार को भी यहाँ पे बढ़ने लगे, जो फागुन में देखने को मिलता था हर बार, अब शनिवार रविवार को मेले में काफी भीड़ लाखों की संख्या में आ रही है, लेकिन जब प्रशासन यहाँ पर व्यवस्थाएं करता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे और प्रशासन हो, तो मंदिर कमेटी और उन दोनों के बीच में आपस में जो सामंजस्य है वो नहीं बैठता, वो क्यों नहीं बैठ पा रहा है? कि मंदिर कमेटी है, मैंने एक उदाहरण दिया ना, हनुमान सेवा समिति सालासर का, वो लोग कोऑपरेट करते हैं प्रशासन को, यहाँ कोऑपरेट नहीं करते, इन्होंने मोल ले रखा है प्रशासन को, सीधा बोलता हूँ, टू बी फ्रेंक बोल रहा हूँ। तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आप यहाँ पर पहुंचे हो, खाटू श्याम जी कार्यकर्ता भी आपकी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, मेरे कार्यकर्ता विश्वास तोड़ने नहीं दूंगा, मुझसे जितना भी होगा, जितना मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, तो सरकार नहीं मानती है तो फिर मुझे अगर रिजाइन भी करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर आपने बयान भी सुन लिए, आपने देख लिया किस तरीके से ट्वीट भी सामने आए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनिल गोठवाल जी जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के नेता भी जुड़े हैं, हमारे साथ आरआर तिवारी जी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से नेता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में, और चर्चा की शुरुआत आज मैं पक्ष विपक्ष से नहीं बल्कि अनिल गोठवाल जी आपसे करना चाहूंगा। आप पुलिस अधिकारी हैं और व्यवस्थाओं को आप काफी बेहतर तरीके से समझते होंगे, किस तरीके से ऐसे समय पर व्यवस्थाएं की जाती है। अनिल जी, जिस तरीके से खबर सामने आई कि खाटू श्याम जी में भगदड़ मची, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हो गए, पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप यहाँ पर सिस्टम का फेलियर मानते हैं कि सिस्टम का फेलियर हुआ, इस वजह से यह हादसा हुआ? किस तरीके से आप देखते हैं पहली नजर में इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये एक सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी गंभीर चूक है कहीं ना कहीं। ये जो एक तो मंदिर प्रशासन समिति है और स्थानीय प्रशासन के बीच में तालमेल का कहीं ना कहीं अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है। अब क्या है कि पहले जो मंदिर के अंदर वार्षिक मेला लगता था उसमें भीड़ आती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सावन के महीने के अंदर शनिवार और रविवार को इतनी भीड़ होती है, रास्ते जाम हो जाते हैं और लोग बाग वहां जाते हैं। होता ये है कि वहां कुछ वीआईपी के जो दर्शन करने के लिए अलग से व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा की जाती है जी। उसी को देख के लोग बाग क्या है कि वहां जाने की कोशिश करते हैं और सबको ये रहता है कि मैं मेरे मंदिर के नजदीक से नजदीक मैं दर्शन कर सकूं। और होता यह है कि वहां जो आम तौर के ऊपर देखा जा रहा है कि मंदिर प्रशासन के लोगों से वहां जो भीड़ आ रही है अंदर, उनको धक्का दिया जा रहा है खुद जी, कि वो ज्यादा देर मंदिर के सामने और वो जो देवता है उनके मूर्ति के सामने ज्यादा देर खड़े नहीं है। उसका कारण यह है कि लंबी लाइन लग जाती है जी। तो वहां पर जो धक्का मुक्की होती है मंदिर के अंदर, वो एक अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ। ये वहां पर अंदर भी धक्का मुक्की होती है, लोग बार कोशिश करते हैं कि मैं कुछ सेकेंड्स या कुछ, कई तो ऐसे दर्शनार्थी हैं कि वो अंदर चले भी जाते हैं लेकिन उनको दर्शन पूरी तरह से नहीं होते हैं। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो मंदिर समिति है और स्थानीय प्रशासन है, वहाँ स्थानीय पुलिस है या और कोई है,
तो वहाँ जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और प्रशासन को भी अब ये लगना चाहिए कि शनिवार और रविवार के दिन जब भीड़ ज्यादा है तो अपना जाप्ता व्यवस्था लगाए। जैसा कि मैंने सुना माननीय विधायक महोदय को जी, मंदिर प्रशासन के अंदर आइंदा इस तरह की जो भगदड़ के आधार के ऊपर आज ये दुखांतिका हुई है, गंभीर चूक हुई है, उसके निवारण के लिए मंदिर समिति को भी कॉपरेट करना चाहिए जी। हो सकता है कि उनके जो दर्शनार्थी हैं, उनके जो मंदिर को सेवा पूजा ज्यादा चढ़ाते हैं, ये पूरे भारत के अंदर देखा गया है कि वीआईपी दर्शन होते हैं जी। तो ये नहीं है कि भाई यहाँ पर भी नहीं होंगे, ये ऐसी एक व्यवस्था सभी जगह थोड़ी छोटी मोटी बनी हुई है। हाँ, लेकिन उसके लिए आप उनके लिए अलग टाइम एक निश्चित कर दें ताकि ये जो आम जनता है और वीआईपी के हैं दर्शन, इसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाए, दोनों में तालमेल बना रहे कि भाई वीआईपी का टाइम ये रहेगा, तो उस समय जनता अपने आप समझ जाएगी कि भाई ये टाइम नहीं है। लेकिन जो आम जनता आ रही है, जो भक्तगण है, जो दर्शनार्थी है, उनके लिए जब आप खोलो तो उनको ऐसा लगे कि हमारे लिए ये पूरा टाइमिंग है। और वहां अंदर जो व्यवस्था है, बाहर रेलिंग लगा रखी है, बाहर आदमी कोई 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफर करके वो जिक जैक के अंदर से होता हुआ वहां जाता है और फिर वो निराश होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं कम से कम इतनी दूर से जिक जैक से आया हूँ, जो 3-4 किलोमीटर का है उसको या तो और बढ़ाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मंदिर के अंदर घुसने के बाद में वो दर्शन आराम से हो सके। ये व्यवस्था अगर हर दर्शनार्थी के मन के अंदर आएगी तो ये भगदड़ का एक जो रूप है वो कम हो सकता है। और मैं खुद वहां मंदिर में गया हूं और देखा है कि पहले से व्यवस्था पुख्ता हुई है जी, लेकिन ये और पुख्ता करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, साफ तौर पर जिस तरीके से जो व्यवस्था है उसको और भी दुरुस्त करने की आवश्यकता, बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच पहले विपक्ष का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपका रुख करूंगा मैं इस बीच, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटनाएं घटित हुई है, बेहद दुखद ये घटना है, हर किसी को जो है इस घटना ने आहत करके रख दिया है। लेकिन शैलेंद्र जी, विपक्ष का कुछ जो है बयान अभी तक सामने ठीक तरीके से नहीं आ पाया, इस पर आपकी क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया होगी जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर, क्योंकि लगातार अव्यवस्थाओं की बातें उठ रही हैं। अभिषेक जी सबसे पहले तो मैं जो 3 श्रद्धालु माताएं हैं जी, जिनका स्वर्गवास हो गया भगदड़ में, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। आप देखिए जो भगदड़ कैसे हुई, जो मंदिर प्रांगण का मेन गेट है उस पे भीड़ आके इकट्ठी हो जाती है और वहां पर जो श्रद्धालुओं से मालूम पड़ा है कि वहां पर सिर्फ 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे और जैसे ही वो मंदिर का गेट खुलता है और एकदम से भगदड़ मच जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है और ये बहुत ही प्रशासनिक चूक हुई है। उन्होंने ये जो 11 का एक दिन होता है, पवित्र दिन होता है, उसमें खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो प्रशासन को मालूम होता है कि कितने श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं करता जिस हिसाब से प्रशासन को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। और ये जो आपन देखते हैं कि किस तरह से जब गेट खुला और गेट पे सिर्फ 2 पुलिस वाले और उसके बाद एकदम गेट खुलता है और भगदड़ होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को यह व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी कि जो संख्या है वो भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, उनको पहले ही कहीं रोक देना चाहिए था और धीरे धीरे करके सबको अंदर जाने देना चाहिए था। और इसमें कहीं ना कहीं मैं समिति की भी मानता हूं, जो मंदिर समिति है उनके भी गार्ड और सुरक्षा कर्मी है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए था कि जैसे ही मंदिर प्रांगण में अगर श्रद्धालु आता है तो उनकी भी व्यवस्था वो मंदिर समिति की होती है, उनकी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन जिस हिसाब से आप देखिए जो सीकर कलेक्टर हैं उनका जो बयान आता है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान आता है, वो कहते हैं कि भगदड़ नहीं हुई है, कोई घटना नहीं हुई है। और जहां हमारी 3 माताएं कि स्वर्गवास हो गया और कई जो हैं उसमें घायल हो गए श्रद्धालु, उसके बाद इस तरह के बयान जो सीधे तौर पर
जो सरकार की लापरवाही और प्रशासन की घोर लापरवाही की ओर इंगित करते हैं, और सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए ऐसे जिला कलेक्टर को तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही है उसके लिए सरकार ने सिर्फ एक वहां का थानाधिकारी जो सब इंस्पेक्टर लेवल के हैं उनको सस्पेंड किया है, जबकि जिम्मेदारी इसमें एसपी की होनी चाहिए। आप देखिए जब ये हादसा हुआ उसके बाद से जब विधायक वहां गए और धरने पर बैठे उसके बाद एसपी और कलेक्टर दोनों वहां पहुंच गए। अब एसपी और कलेक्टर व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो बहुत आराम से दर्शन हो रहे हैं काटू बाबा के, और बहुत तरीके से सबको निकाला जा रहा है और जो भीड़ है उसको नियंत्रित करके धीरे धीरे सबको दर्शन के लिए आगे पहुंचाया जा रहा है। अगर ये कलेक्टर एसपी पहले ही व्यवस्था चौबंद कर देते और वहां उपस्थित रहते और तरीके से दर्शनार्थियों को श्रद्धालुओं को बाबा खाटू श्याम के दर्शन कराते तो ये घटना टल सकती थी। ये बिल्कुल प्योरली प्रशासनिक लापरवाही है और इस सिस्टम का फेलियर है जिसके लिए सरकार, राज्य सरकार और वहां का जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला एसपी इसके दोषी हैं। जी मतलब शैलेंद्र जी आपके हिसाब से यहां पर सरकार का फेलियर है और सरकार इस पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी है। इन्हीं बातों के साथ आरआर तिवारी साहब का रुख मैं कर लेता हूं। तिवारी साहब आपका रुख करूंगा, सुना आपने यहां पर अपने विपक्षी साथी को किस तरीके से तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा क्योंकि तमाम आरोप जो सरकार पर लग रहे हैं और सिस्टम का फेलियर, सरकार का फेलियर यहां पर बताया जा रहा है शैलेंद्र जी की ओर से। अभिषेक दुखद घटना है जी, कांग्रेस की तरफ से तीनों मृतात्मा को शांति की बाबा के चरणों में अपील है जी, बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे। भगदड़ मची, तीन महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई, बहुत सारे दर्शनार्थी बाबा के उसमें घायल हो गए। 11 को और 12 को लाखों आदमी आते हैं, कलयुग के देवता हैं जी, पूरे देश भर के श्रद्धालु। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं शैलेंद्र भाई, मार्च के महीने में लक्खी 50 लाख लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं हर साल, हर होली पर, धुलिंडी पर, पूरे देश भर से, यहां तक कि विदेशों से वहां पर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और 50 लाख दर्शनार्थियों का आंकड़ा छूता है। प्रशासन उस समय तो फेल नहीं हुआ, आज एकादशी है, श्रावण का आखिरी सोमवार है जी, राखी के त्योहार से पहले के दर्शन करना चाहते थे। मैं प्रशासन को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मंदिर कमेटी की भी व्यवस्था अव्यवस्था है, मैं इसको भी मानना चाहिए। मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन में आपस में तालमेल नहीं है, इसी के आज कारण से दुखांतिका हुई। और जननायक अशोक गहलोत ने त्वरित कार्रवाई करके वहां तत्कालीन जो SHO थी रिया चौधरी, हमने उसको सस्पेंड किया। संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वो घटना की 15 दिन में जांच करें और जांच में अगर SP वहां के कलेक्टर दोषी पाए जाएंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5-5 लाख का आर्थिक लाभ भी दिया है। मैं कह रहा हूं कि हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है इसलिए आरोप तो सहना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं शैलेंद्र धवाई जी, ऐसी दुखांतिका तो हर बड़े मेले में होती है। जब राजस्थान में वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, मेहरानगढ़ की दुखांतिका हुई, 216 आदमी मेहरानगढ़ में देवी के दर्शन में कुचले गए, 216 आदमी भगदड़ में मारे गए। आज अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, केदारनाथ यात्रा में जाते हैं, बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं, दुखद घटनाएं होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। हम इसको स्वीकार करते हैं, संभागीय आयुक्त जो भी रिपोर्ट देंगे हम उसको अक्षरक्ष पालन करेंगे। और हमारे विधायक वहां वीरेंद्र सिंह जी, आज जब वो दिल्ली में थे उनको पता लगा कि ऐसी दुखद घटना हो गई है, वो तुरंत घटना स्थल पे आए, उन्होंने कलेक्टर SP से बात की है और उन्होंने कहा है कि अब वहां पर हर एकादशी और द्वादशी यानी 11-12 को पूरे 24 घंटे दर्शन के लिए बाबा के दरवाजे खुले रहेंगे जी। हर शनिवार इतवार को भी वहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं वीकेंड में, वो भी 24 घंटे के खुले रहेंगे, तो कुछ सहमति बनी है जी। हर गलती से सबक लेना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, अगर कहीं चूक हुई है
तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अगली बार हम चूक नहीं होने देंगे और आने वाले हर कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। जी चलिए, मतलब तिवारी साहब आपकी ओर से जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही है, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि आप सरकार की ओर से इस तरीके की सिस्टम को सेट किया जाए। जिस तरीके से आपने कहा कि जो क्षेत्र विधायक हैं उन्होंने मंदिर कमेटी से बातचीत की है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बातचीत जब हो तो कोई समन्वय स्थापित हो और जिस तरीके की भीड़ इकट्ठी हुई ऐसा हादसा दोबारा ना हो। अनिल जी, इसी के साथ मैं आपका रुख करूंगा। अब जिस तरीके से बातें यहाँ पर अनिल जी हो रही हैं कि जो स्थानीय प्रशासन था, शासन था, उसके बीच मंदिर कमेटी के बीच जो है वो सही तरीके से एक समन्वय स्थापित नहीं था, बातचीत नहीं थी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन था जिस वजह से यह हादसा हुआ है। अनिल जी, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा किस तरीके से यहां पर ऐसे कोई जो बड़ा धार्मिक स्थल होता है या कोई स्थल होता है वो किस तरीके से शासन प्रशासन से कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से उन तक सूचनाएं पहुंचाता है और किस तरीके से शासन प्रशासन इस पर रिएक्ट करता है और जो सुरक्षा होती है वो मुहैया कराता है, उसके बारे में जानकारी आपसे लेना चाहूंगा अनिल जी। देखिए, क्योंकि ये धार्मिक महत्व का स्थान है जी और जनता की बहुत आस्था है, वहाँ दर्शनार्थी आते हैं। ये तो नहीं है कि प्रशासन उसके ऊपर सख्ती कर सकता, लेकिन कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जिला कलेक्टर महोदय अधिकृत है और जिला कलेक्टर महोदय यदि प्रशासन इनकी बात को, प्रशासन की बात को मंदिर प्रशासन नहीं मानता है तो सरकार के समक्ष इस बात को उठाया जा सकता था और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि इसका सुव्यवस्थित रूप से किस प्रकार से एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ली जाए, बड़े बड़े देश के अंदर मंदिर है वहां से सबक लिया जाए। ये कोई एक ये तिरुपति बालाजी का मंदिर था, उसमें भी इस तरह के हादसे पहले हुआ करते थे लेकिन अब रेयर चांसेस है कि उस तरह के, तो जिग जैग बनाया, लेकिन क्योंकि वहां का जो स्थानीय मंदिर प्रशासन का है वो गार्ड जो है वो सिर्फ वीआईपी दर्शन के लिए लगाते, अंदर का जो व्यवस्था है वो मंदिर प्रशासन के हाथ में है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं। लेकिन वहां पर भी हमारे पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को वहां की व्यवस्था को देखने के लिए अब उन्हें जरूर मजबूर करना चाहिए कि भाई हम हमारा यहाँ पर भी हम व्यवस्था करेंगे या उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि इस प्रकार की कुछ गैप के अंदर निकाले जाएं। एक बैच है 25 का 50 का, कुछ उसको रोका जाए। ये लास्ट में जाके होता क्या है कि 2 किलोमीटर पहले तो रोक देते हैं लेकिन जब मंदिर के पास पहुंचते हैं वहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप 25 का 50 का 100 का एक बैच निकालिए, वो दर्शन करें फिर रिलीज करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में फिर जब निकल जाता तो ये एक व्यवस्था का वो तरीका है कि हम कैसे कंट्रोल करें पब्लिक को जी। तो उनको ये शायद ये है कि ये कंटिन्यू वो जो रेला है एक तरह से चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं बातों को मैं समझ रहा हूं कि जो एक तरीके से श्रद्धालुओं को एक साथ रोक दिया गया वो ना रोका जाए, एक एक पैच जो है उसको निकाला जाए ताकि भीड़ एकत्रित ना हो, श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो है एक जगह पर ना लगे। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, आर तिवारी साहब, शैलेंद्र जी, आप सभी मेरे साथ बने रहे। यहां पर छोटे से ब्रेक रुकना होगा मुझे, छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के उस बार भी चर्चा जारी है। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जिस तरीके से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा रूप में शैलेंद्र जी आपका करना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से चर्चा से पहले हमने बात की यहां पर विपक्ष की भूमिका को लेकर, सरकार को लेकर, लेकिन इस बीच जिस तरीके से विधायक वीरेंद्र की ओर से मंदिर कमेटी पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस वाक्य को आप किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक जी, देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया जी, मंदिर के अंदर की व्यवस्था समिति की होती है, श्री श्याम मंदिर समिति बनी हुई है, और उस मंदिर के बाहर की व्यवस्था वो पूरी प्रशासन की होती है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जी। और आप देखिए पिछले साल भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु आए थे और उसको देखते हुए प्रशासन ने कोई तैयारियां नहीं की। जैसे मेरे कांग्रेस प्रवक्ता साथी ने बताया कि जब लक्की मेला हुआ उसमें लाखों श्रद्धालु आए और वो मेला बहुत सक्सेसफुल हुआ। आप देखिए अगर पुलिस प्रशासन चौकस होता है
वो पूरे कोई लापरवाही नहीं बरतता तो वो मेला बहुत अच्छा जाता है और वो अपनी पीठ भी थपथपाते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब इनके स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की है जी। और विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं। और आप बताइए, जब हादसा गेट पे होता है, गेट खुलने पे इतनी जबरदस्त भीड़ हो जाती है कि गेट खुलते ही भगदड़ मचती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर मंदिर में अंदर दर्शन कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई घटना होती, दुर्घटना होती, वहां अव्यवस्था होती, तो निश्चित तौर पे मंदिर समिति की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जो जिला प्रशासन है, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार, सिर्फ मात्र एसआई को सस्पेंड करना, 5 लाख रुपए मुआवजा दे देना, 20,000 रुपए घायल को आर्थिक मदद दे देना, क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कांग्रेस सरकार? आप बताइए, इतना जबर, आपको मालूम है जो खाटू श्याम जी का दरबार है उसमें भारत से ही नहीं, आप देखिए नेपाल से और विदेशों से भी लोग आते हैं, और जो हर 11 पर जबरदस्त भीड़ रहती है ये प्रशासन को पता होता है, और प्रशासन को सारी जानकारियां होती हैं, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितने होटलों में लोग रुके हुए हैं, धर्मशालाओं में लोग रुके हुए हैं, कितना एक्सपेक्टेड है, उसी हिसाब से प्रशासन इंतजाम करता है। तो इन्होंने खुद ने ही जवाब दे दिया कि ये जो दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, वो दुखद है, वो प्रशासन की लापरवाही से हुई है, क्योंकि जो मेला जब प्रशासन ने कराया, राज्य सरकार ने कराया, वो बहुत अच्छा कराया, क्योंकि उस समय प्रशासन अलर्ट था, पूरी फोर्स लगा रखी थी, तरीके से मॉनिटरिंग हो रही थी, और इस बार उन्होंने लापरवाही कर दी तो देखिए हादसा हो गया। और जो वहां के विधायक हैं वो मंदिर की कमेटी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, मंदिर की कमेटी का दोष तब आता जब वो अंदर ऐसी कोई घटना होती, जब घटना बाहर से दबाव इतना आया कि एकदम से आपने भीड़ को छोड़ दिया क्या? और यहां मैं मान सकता हूं, क्या आपने बुजुर्गों के लिए कोई अलग से व्यवस्था कर रखी है क्या मंदिर में? वो एक मंदिर प्रशासन से भी प्रश्न उठता है कि आपको बुजुर्गों के लिए भी एक अलग से व्यवस्था रखनी चाहिए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है, उनको भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए अलग लाइन हो, अलग व्यवस्था हो, ताकि वो जो भगदड़ मचती है या जो युवा है, जो प्रौढ़ अवस्था में है, जिनमें अधिक शारीरिक क्षमता है, उनके साथ उनका मेल नहीं बैठ पाता। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए बड़ी चूक जो है, घोर लापरवाही सिर्फ जिला प्रशासन की है, राजस्थान सरकार की है। आप देखिए महाकाल का, उज्जैन का महाकाल का मंदिर, कितनी शानदार व्यवस्था है। आज तक आपने सुना, लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जाते हैं, लेकिन व्यवस्था के कारण और वहां पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो कमेटी है, मंदिर कमेटी, वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहती है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में चले जाइए, करोड़ों लोग आते हैं। आप देखिए, जब गंगा संगम, गंगा यमुना संगम होता है इलाहाबाद में, लाखों लोग आते हैं, गंगा के घर पर भी होती है। आप सुनो, डालो, आपने खुद ने स्वीकार किया है कि लापरवाही हुई है, आप खुद स्वीकार कर रहे हो, इसमें राजनीति नहीं करो। आपने आज श्रद्धालुओं को आप उनके आराम से नहीं छोड़ सकते, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं छोड़ सकते। तिवारी जी, तिवारी जी, जवाब लेने आप ही के पास आऊंगा। तिवारी जी, जवाब लेने आप ही के पास आऊंगा, सुन लीजिए। अधिकारी को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा क्या? आपके जिला अधिकारी को, तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी को सुन लीजिए, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, जवाब आप ही से लूंगा मैं, तिवारी जी, जवाब आप ही से लूंगा मैं, एक बार सुन लीजिए। करके वहां श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, केवल अभिषेक जी अभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि खुद ने स्वीकार और उसका कोई एक्शन अब तक नहीं लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को तुरंत जिला कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, सस्पेंड करना चाहिए था, इंक्वायरी बाद में बिठानी चाहिए, जिन्होंने शैलेंद्र जी, एक बार आप शांत हो जाइए। यहाँ पर सुन लेते हैं तिवारी साहब को, यहाँ पर तिवारी साहब को सुन, तिवारी जी जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक सवाल बीच में मेरा यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जहां एक और कांग्रेस की ओर से, यानी कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जो है हम भी गम में हैं, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जो मृतक हैं उनको लेकर, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस के ही विधायक, यानी कि जो क्षेत्रीय विधायक है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? एक और अब जहां है कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है, ये कहीं ना कहीं अब ये दृश्य ऐसा लग रहा है, तिवारी साहब ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं आपको, कि जो मुझे ऐसा फील हो रहा है देखने पे, कि ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के जो विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसे साफ तौर पर यह प्रदर्शित किया जा रहा है कि यहां पर जो प्रशासनिक अमला है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और सारी गलती जो है वो मंदिर प्रशासन कमेटी की है। तिवारी जी,
अभिषेक वीरेंद्र कांग्रेस के विधायक है, जनता के चुने हुए साथी है, राजस्थान के विधानसभा में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके इलाके में अगर कोई मंदिर मस्जिद कोई सार्वजनिक आस्था का स्थल है वहां पर ऐसी घटना नहीं हो। जागरूक विधायक वीरेंद्र सिंह अपनी बात को जब जैसे उनको पता लगा दिल्ली से तुरंत लौटे और वहां पर खाटू श्याम जी के यहां जाकर के घटना स्थल पर मुआयना किया। अगर उनको लगता है कि इसमें घटना में खाटू श्याम जी निज मंदिर वो सरकारी ट्रस्ट नहीं है जी, वो निजी परिवार की संपत्ति है, चौहान परिवार की, शंभू सिंह चौहान वहां के मंत्री हैं या अध्यक्ष हैं, वहां पर सारी व्यवस्था उन्होंने परिवार में बांट रखी है, वहां पर गनमैन या सुरक्षा कर्मी भी उनके परिवार के हैं। आस्था का केंद्र भारत का नहीं, विदेशों से लाखों करोड़ों हर साल वहां दर्शन करने आते हैं। शीश के दानी की कलयुग में महत्वता बढ़ी है लगातार, लेकिन अगर वहां की व्यवस्था में अगर कुव्यवस्था वहां की प्रशासन समिति जो निजी हाथों में विधायक को अगर पता लगता है तो उसके खिलाफ बोलेंगे जी। वहां पर उन्होंने निजी दर्शन करने के नाम पर उन्होंने जो अव्यवस्थाएं फैला रखी है उसके खिलाफ अगर वहां का विधायक बोलता है तो जनता की आवाज है। हो सकता है वहां वीआईपी दर्शन के नाम पर वहां पर गेट बंद कर दिया जाता और आम आदमी को नहीं जाने दिया जाता। वीरेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर और एसपी को बुला करके सारी व्यवस्थाओं की जांच करी। आज उन्होंने समिति के लोगों ने क्यों माना कि एकादशी और द्वादशी यानी 11-12 को 24 घंटे के दर्शन क्यों खोले जाएंगे, आज उन्होंने क्यों किया? शनिवार इतवार जो वीकेंड के दो दिन है जिसमें लाखों श्रद्धालु दो दिन की छुट्टियों में दर्शन करना चाहते हैं, पहले उनका टाइम टेबल बना होता, आज उन्होंने विधायक ने जनता की सहूलियत श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए 24 घंटे के दर्शन के लिए मांग करी, प्रशासन ने और समिति ने दोनों मिलकर के उनको स्वीकार किया जी। गलती शासन से हुई है या किसी से हुई है? संभागीय आयुक्त से मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया 15 दिन में रिपोर्ट दो, और मैं फिर कह रहा हूं जी, जननायक अशोक गहलोत संवेदनशील है, एक भी आदमी की मौत होती है तो राजस्थान के भविष्य की मौत होती है जी। उनका एक ही स्लोगन है, गलती हर गलती सजा मांगती है। अगर लगेगा कलेक्टर की उदासीनता थी या एसपी की उदासीनता थी, निश्चित रूप से मान करके चलो शैलेंद्र भाई, मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों के सामने वादा कर रहा हूं प्रशासन की ओर से पार्टी की ओर से जी, एसपी और कलेक्टर भी सजा के भागीदार बनेंगे। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन कमेटी के मेंबर भी इसमें सहयोग करें। केवल वहां के चढ़ावे के नाम पर वहां जनता के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करे, इसका भी तो हमको इलाज करना पड़ेगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। खाटू श्याम जी में जो इतना बड़ा पैसा आता है उसके लिए वहां खाटू श्याम जी की जो संचालन समिति है उनका भी कोई धर्म होता है कि वो वहां श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा दे। सरकार वहां सड़क बनाती है, बिजली देती है, पानी की पीने की व्यवस्था करती है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करती है, टेंट की व्यवस्था करती है, सुरक्षा की व्यवस्था करती है। तत्कालिक रूप से लगा एसएचओ रिया चौधरी की जिम्मेदारी थी, पुलिस की कम व्यवस्था थी, इसलिए हमने उनको तत्काल रूप से मुक्त किया। लगेगा अगर एसपी और कलेक्टर की उदासीनता थी, अभिषेक फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत जननायक यूं ही नहीं कहलाते, जनता की हर तकलीफ को वो अपनी तकलीफ मानते हैं। लगेगा अगर उनसे गलती हुई तो निश्चित रूप से कलेक्टर साहब और एसपी साहब भी सजा के भागीदार बनेंगे। मैं प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से आपको निवेदन कर रहा हूं, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के विधायक को। जनता के बीच में तिवारी साहब, ये बड़ा वादा आपने यहाँ पर इंडिया न्यूज के मंच से किया है कि कार्यवाही जो है वो अमल में साफ तौर पर लाई जाएगी, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर। चलिए ठीक है, इस बीच यहाँ पर अनिल गोठवाल जी का एक बार फिर से रुख करूंगा मैं। अनिल जी, जिस तरीके से लगातार आप भी चर्चा में बने हुए, आप भी यहाँ पर पक्ष विपक्ष को सुन रहे हैं, इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि यहाँ पर गलती जो है वो शासन प्रशासन की है या फिर मंदिर समिति की है? देखिए, मंदिर समिति तो अपने जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे पैसा तो जो चंदा चढ़ावा आ रहा है उसको ले रही है, लेकिन व्यवस्थाओं में जो वो साथ देना चाहिए वो शायद नहीं दे रही है। स्थानीय प्रशासन को अब किसी भी कीमत पे हाथ धरे बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो व्यवस्थाएं हैं उनको जरूर कराना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप बैठेगा। अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, जो भी व्यवस्थाएं करनी है, जो उनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर उनसे करवा के और उनको आगे बढ़ के और ये बताना पड़ेगा कि आप ये व्यवस्थाएं आप करिए,
अदरवाइज ये उनका अधिकार नहीं है कि जनता को पिसने दे और वहां जनता इसी तरह से जो भगदड़ मस्ती रहे। तो मेरा ये मानना है कि मंदिर समिति की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं भी समझे और प्रशासन उनसे करवाए। अभी रहा सवाल इसका कि मंदिर परिसर और जो बाहर का एरिया, वो दोनों मंदिर परिसर का ही हम मान के चलते हैं। प्रशासन का अब आप SHO रिया चौधरी एक महिला इंस्पेक्टर है, उसके पास थाना है, उसके पास कितना एक्स्ट्रा जाप्ता है। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा जाप्ते की वहाँ कहीं ना कहीं कमी है जी। वहाँ पुलिस प्रशासन है, प्रशासन है, उसको और ऐड करना चाहिए। वो थाने के एरिया का 10-15 किलोमीटर एरिया का एरिया संभाले, मंदिर की प्रशासन की समिति की व्यवस्था करे या क्या करे। वहाँ कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की जो बल है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ व्यवस्था 24 घंटे बनी रहे, ऐसा मेरा मानना है। और प्रशासन को स्ट्रिक्टली कहीं ना कहीं कोई तकनीकी आवश्यकता हो, जैसे उसके अंदर सीढ़ियां हैं, रैंप बनाए, जैसा अभी उन्होंने हमारे साथी ने कहा धाबाई जी ने कि महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इनके एक अलग रो बनाई जाए इस तरह से, जैसा कि वो कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल वहां मंदिर है, मंदिर छोटा है, बाहर का एरिया बड़ा है, तो वो जब मॉब एक साथ धक्का देती है तो वो बिल्कुल अंदर जाने के लिए वो एक के ऊपर एक व्यवस्था। तो मैं ये सारी व्यवस्था मंदिर प्रशासन से करानी चाहिए। अगर वहां सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं है तो रैंप की व्यवस्था करें, और बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग रखें। तो ये व्यवस्था प्रशासन को करवानी होगी अब जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समिति को। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, साफ तौर पर जो तमाम व्यवस्थाओं की खामियां जो है नजर आ रही हैं, इनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की आवश्यकता जो है वो गंभीर रूप से। और इस बीच शैलेंद्र जी, समय अब कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों से फाइनल कमेंट जो है ले लेता हूं। फाइनल कमेंट शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगा इस पूरी चर्चा पर। शैलेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देखिए अभिषेक जी, कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बताया, क्योंकि मंदिर, हाँ आवाज आ रही है जी। अभिषेक जी, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर की व्यवस्था करना पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का काम है, अंदर मंदिर की समिति का काम मंदिर के अंदर की व्यवस्था करना है, और इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। और इतना बड़ा जब लक्खी मेला हुआ, जिनकी आप पीठ थपथपा रहा था प्रशासन की, हमने बहुत अच्छा मेला करा दिया, लाखों की भीड़ आई, तो अब आप लापरवाह क्यों हो गए? इसका मतलब आप लापरवाह हो गए। आपने देखा ठीक है, हर महीने 11 साथी है, श्रद्धालुओं को आपने ध्यान नहीं रखा और उस हिसाब से यह हादसा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पूरी चूक जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर को जाती है, और उनके खिलाफ कोई ना कोई सरकार को प्रसंज्ञान लेना चाहिए। और समिति अगर जिला कलेक्टर की बात नहीं मानती तो जिला कलेक्टर के पास तो बहुत पावर होते हैं। आप देखिए, अगर कोई मेला होता है, कोई इस तरह का पवित्र दिन होता है, उस दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है, तो पुलिस प्रशासन, SP, कलेक्टर मंदिर के अंदर तक जाके व्यवस्थाओं को देखते हैं। अगर वो अंदर की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्यों नहीं कराई, अगर बात आती है। लेकिन हादसा बाहर हुआ है, क्योंकि अंदर की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ठीक थी। हादसा बाहर, भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन नाकाम रहा है। नाकामयाब ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी बात समझे। तिवारी साहब, आपका रुख करूंगा जल्दी से, फाइनल कमेंट्स लूंगा तिवारी जी आपसे। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक ने त्वरित कार्रवाई करी, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करी, हादसे की जांच के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट को 100% लागू करेंगे, दोषी अधिकारी को बख्शेंगे नहीं जी। लेकिन जालौर में संत की मौत के ऊपर शैलेंद्र दबाई मौत, जिन्होंने मौत भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वहां पर बीजेपी के चले ठीक है, यहाँ पर सुना हमने पक्ष विपक्ष को, और किस तरीके से जो अधिकारी रहे हैं उनसे हमने सुना कि किस तरीके से व्यवस्थाओं में खामियां देखने को मिली, किस तरीके से व्यवस्थाओं पर सवाल निशान विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। वही पक्ष की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जांच कमेटी जो है बना दी गई, जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके आधार पर कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी। चलिए इसी के साथ अनिल गोठवाल जी,
आरआर तिवारी साहब और शैलेंद्र गुर्जर जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान को आपने दिया। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से अव्यवस्थाओं के कारण यहां पर तीन लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग जो है घायल हो गए हैं, यहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां एक और विपक्ष जो है वो शासन प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा कर रहा है, अगर बात पक्ष को लेकर करें तो मंदिर समिति पर सवाल निशान खड़े कर रहा है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है और मंदिर समिति शासन प्रशासन को साथ बैठकर एक टेबल पर बैठकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का निचोड़ निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे तमाम मौके आएंगे खाटू श्याम जी परिसर में जब लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, उस वक्त ऐसे हादसे ना हो, यही कामना हम भी करते हैं। इसी के साथ चर्चा पर विराम लगाएंगे, धन्यवाद, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।